नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं साक्षी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय सिंह चौटाला, जिनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सर। किसानों पर मैं लगातार अत्याचार देख रही हूँ, कल भी देखा, 10 महीने से बीजेपी का अत्याचार आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस ने लाठीचार्ज करवा दिया और आपने आपके राज में गोलियां चलवा दी। अब किसान और जनता सवाल करिए, किस पर विश्वास करें? किस राज की बात कर रही हो? हमारे राज में कौन सी गोलियां चली थी? कंडेला कांड। कंडेला में गोलियां चली होगी, लेकिन उसके बाद जींद में हमारा 3 बार प्रत्याशी जीता है। इस बात को केवल कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर मैम कांड का लेकर के भी दोष लगाया जाता है। उस मैम में भी हमारा विधायक 2 बार फिर चुना गया। उस घटना के बाद लोग जो है हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। कांड तो जिन लोगों ने किए आप उनके बारे में तो जिक्र नहीं करती। बीजेपी के पिछले राज में तो जिक्र करती हूँ मैं। बीजेपी के पिछले राज में 100 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। अब भी किसानों पर लगातार जो है अत्याचार हो रहे हैं। कल की ही घटना है, जमाल गांव के अंदर किस तरह से किसान की पगड़ी उछाली गई, किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से पॉलिटिकल लोग वहाँ बौखलाए लोगों के विरोध से। विरोध लोग क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई इस तरह के काले कानून बनाएगा, अगर कोई लोगों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती इस तरह के कानून थोप के और उनको जमीन बेचने पर मजबूर करेगा तो वो विरोध करेंगे। कंडेला कांड पर आपने सुनी अभय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया। उनसे सवाल लेने के पीछे मकसद ये था कि हम जानना चाहते थे कि कौन सी पार्टी ने किसानों पर अत्याचार नहीं किया, किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम। अगर बात करें इनेलो की तो उन्होंने अपने राज्य में गोलियां चलवा दी। यहाँ मैं कंडेला कांड की बात कर रही हूँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने लाठी चार्ज करवा दिया किसानों पर और 11 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं। देख ही सकते हैं बीजेपी का अत्याचार। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की शहीदी पर मौन तक नहीं रखा। ये सवाल बार बार हर कोई उठा रहा है। एक भी संवेदना व्यक्त करने बीजेपी के लीडर्स सामने नजर नहीं आ रहे किसानों की। ठंड गर्मी हर चीज़ किसान झेल चुका है। हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से किसानों का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की इनकम जो है दुगनी हो जाएगी। उसका क्या फॉर्मूला है वो अभी तक किसी को नहीं पता। और अब बात करें अगर हम किसान नेताओं की, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी दो बड़े फेसेस हैं इस आंदोलन के, तो राकेश टिकैत पर सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि वो इनेलो अभय सिंह चौटाला को सपोर्ट कर रहे हैं और जो गुरनाम सिंह चडूनी है वो कांग्रेस ही सपोर्टर बताए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, हर कोई किसी ना किसी नेता पर आरोप है कि वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या फिर अपना फेस चमकाने की कोशिश इस आंदोलन में कर रहा है। किसानों के हक की बात सब करते हैं लेकिन उनके हक कहीं दूर रह जाते हैं और अपने अपना चेहरा चमका के सब लोग निकल जाते हैं। ऐसा अब तक हमें ऐसा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इतनी सारी बड़ी बातें आपके सामने बोल रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तीनों बॉर्डर्स पर बैठा है इस उम्मीद में कि MSP पर कानून बनेगा और 3 कानून जो है वापस लिए जाएंगे। लेकिन इन सब के चलते हमें ये देखने नज़र आ रहा है कि किसान नेता व्यस्त है इलेक्शंस में, वोटिंग में, ना कि उन किसानों के लिए परेशान है। क्योंकि जब जब किसान पर लाठी चली तो एक भी किसान नेता आगे नज़र नहीं आया। ये सवाल इसलिए बड़ा बन जाता है। आपको क्या लगता है कि किसानों के हक की बात सब करते हैं और किसानों पर अत्याचार सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन किसानों के हक उनको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।